नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और हम पहुंच चुके हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ओडिशा में 53,000 से ज़्यादा गांव हैं और यहां पर 6,800 के करीब पंचायतें हैं। तो हम अपने इस कड़ी में आज दौरा करेंगे ओडिशा के कटक ज़िले का, देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र गाँव में पहुँचा हुआ है और कैसे लोकतांत्रिक संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गांव और गांव के लोगों का विकास कर रही है, फैसले ले रही है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर कटक से। यह है कटक जिले की कायलापाड़ा पंचायत, जो लोकतंत्र से मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर फैसले ले रही है, गांव को विकास की दौड़ में आगे रख रही है। कायलापाड़ा पंचायत की सफलता की कहानी हम देखें, इससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर भारत के लोकतंत्र की वो कौन सी खासियत है जो इसे बनाती है भव्य, विशाल और अद्वितीय। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक, सच्चा लोकतंत्र। जी हाँ, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं, इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे विशाल, व्यापक और प्रचंड है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 3,25,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से ज्यादा है। लोकतंत्र की बात हो तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था, यानी भारत के लोकतंत्र की जड़ें 1,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो हमने देखा कि भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है हमारी ग्राम पंचायतें। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,70,000 है और ये ग्राम पंचायतें लोकतंत्र से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी सूझबूझ और विवेक से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि पूरे गांव को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की मुख्य धारा में शामिल भी कर रही हैं। और अब चलते हैं कायलापाड़ा ग्राम पंचायत के गांवों की गलियों में, जो खुद बयां कर रही है अपनी सफलता की कहानी। चार गांवों की 22 वार्ड वाली पंचायत की आबादी लगभग 8,000 है। पंचायत में 102 स्वयं सहायता समूह हैं। कायलापाड़ा पंचायत और इसके सभी गांव नेशनल हाईवे 55 से सटे हुए हैं। हाईवे से सटे होने का फायदा गांव के लोगों को ये मिलता है कि वो शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं, मगर हाईवे के फायदे का दूसरा पहलू नुकसान के रूप में भी सामने आया, वो ये कि सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक होने से दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक थी, साथ ही चोरी की घटनाएं भी काफी होती थी। गांव वाले परेशान थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए लोग पंचायत के पास पहुंचे और फिर पंचायत ने फैसला किया कि गांव में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए करीब 9 से 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तब जाकर पंचायत ने खुद के फंड से इस काम को पूरा किया। पंचायत का फैसला बड़ा था, मगर भारत के लोकतंत्र की भव्य परंपराओं का पालन करते हुए पंचायत ने यह फैसला लिया। पंचायत की पहल के बाद गांव की सड़कों पर कैमरे लग गए, फिर स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी गई, जिसके बाद हर गतिविधि पर अब कैमरे की नजर रहती है।
कैमरे की नजर से कोई बच नहीं पाता, चाहे दिन हो या रात। इसका कंट्रोल रूम पंचायत भवन में ही है, जहां कैमरों की मॉनिटरिंग होती है। पंचायत के इस कदम से दोषी लोगों की पहचान होने लगी। नतीजा ये हुआ कि अब सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ गई है। साथ ही चोर उचक्के भी इस बात से आशंकित हो गए कि उन्हें कैमरे की नजर न लग जाए, सो उन्होंने भी या तो चोरी का पेशा छोड़ दिया या फिर गांव ही छोड़कर चले गए। मेरा जो गांव जो पहले 17 में जीत के आया है यहाँ पे, तो देखा कि यहाँ के पंचायत का कोई इनकम नहीं है। जो इनकम था 2 लाख के 20 आसपास था, और मैंने सोचा कि जो भी रिसोर्स है उसको कैसे पंचायत राज में डालना है। तो यहाँ के गवर्नमेंट के पास वो डिमांड डाला, डिमांड डाल के जो 2 लाख का था, अभी 4 साल के बाद अभी जो जनरेशन हो रहा है रेवेन्यू 4 times 5 times हो गया। अभी 10 लाख 12 लाख का अभी रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू जो पंचायत का जो आ रहा है अभी जीपी फंड का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है अभी, उससे हमारा गांव का जो भी सीसीटीवी कैमरा है, स्ट्रीट लाइट है, जो का गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का जो स्कोप में नहीं है, हम उस पंचायत राज का जो इनकम आ रहा है, हमारा खुद का जो फंड है उसको यूज़ करके हम जितना भी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के जो लिमिटेशन में आ रहा है हम पंचायत में फुलफिल कर रहे हैं। अभी हमारे गाँव में क्या हुआ था ना, लूट हो रहा था। अभी हमारा पंचायत की वजह से हमारे पंचायत ने सीसीटीवी कनेक्शन लगा दिया है। अभी इसकी वजह से जो भी लूटपाट हो रहा था, जो भी एक्सीडेंट हो रहा था, अभी वो ठीक है। मतलब अभी हम लोग जान पा रहे हैं, वो अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी इसमें। यहाँ पे ज़्यादा चोरी एक्सीडेंट सब कुछ वगैरह हो रहा था, सीसीटीवी ना लग रहा पहले से। अभी सीसीटीवी जब से लगा हुआ है तब से चोरी एक्सीडेंट कुछ नहीं हो रहा है, और 2-3 बार भी चोरी की पकड़ गया है, फिर भी पुलिस के हवाले किया है, तो भी यहाँ पे आदमी लोग सब सुरक्षित महसूस भी कर रहा है। दुर्घटनाएं कम हुई, चोरियां बंद हुई, तो लोगों के जीवन का अंधेरा छटा, खौफ काफूर हुआ, तो मन ने इत्मीनान की सांसें ली। गांव के लोग, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी घरों से बाहर निकलकर रोजगार की तलाश शुरू की। लेकिन रोजगार मिलना इतना आसान भी तो नहीं था। अब लोगों ने पंचायत का दरवाजा खटखटाया। पंचायत तो ठहरा लोकतंत्र की बुनियादी नींव। लोग रोजगार के लिए परेशान हो और पंचायत को इत्मीनान हो, ये भला कैसे हो सकता है? पंचायत ने फौरन बैठक बुलाई और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर SHGs बनाए। एक SHG में 40 महिलाएं शामिल हुई, सरकार की ओर से मिलने वाली ट्रेनिंग ली और कुछ फंड का इंतजाम किया। फिर शुरू हुआ चटनी बड़ी और प्लेट बनाने का काम। समूह में जुड़ी महिलाएं 10-10 के ग्रुप में शिफ्ट में काम करती हैं, ताकि घर का काम भी होता रहे और SHG का काम भी रफ्तार पकड़ता रहे। कुछ ही साल में 40 महिलाओं वाले समूह की महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से हर महीने 2 से 2,500 रुपए कमाकर परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही हैं। एक हमारी PG ग्रुप है, इसमें 40-50 लोग काम करते हैं, 40-50 महिलाएं काम करते हैं, और जो महीना का हम कमाते हैं वो 2,000 से 2,500 तक हमारा कमाई हो जाता है। उसके पहले हम कुछ नहीं जानते थे, हम घर के काम में ही बिजी रहते थे, बस घर का काम, बच्चों का काम, बस उतना ही। उसके बाद हम इसमें एक ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ, उस ग्रुप के माध्यम में हम विभिन्न प्रकार के काम, जैसे कि ये थैली बनाना, बड़ी, अचार, पापड़ इत्यादि, वो सब हमारे पास मार्केट में, वो एक हमारा जैसे कहते हैं कि वीकली हाट, उसमें हम बेचते हैं। जो हमारा कमाई होता है वो हम 40-50 लोग आपस में बांटते हैं। 2017 में शुरू हुए PG ग्रुप में 40 महिलाएं काम करती हैं, 2000 महीना कमाती हैं। पहले ये लोग घर और बच्चों को ही संभालती थी, अब लोग बड़ी अचार और प्लेट बनाती हैं। हम सब जानते हैं घर में महिला को कोई प्राधान्य नहीं देता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे भरे परिवार के पोषण के लिए हमें 2 रुपया तक कमाने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो हम महिलाएं काम करते हैं मासिक 2 से 2,500 रुपया इनकम करते हैं, जिससे हमारे इनकम को लेकर हमारे परिवार में बहुत सारा खुशी भी आता है, क्योंकि हम जो पैसा इनकम करते हैं हमारे परिवार के भरण पोषण में काम के लगता है।
पंचायत में 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें पंचायत की महिलाएं काम करती हैं। अब गांव वालों की जिंदगी बदल रही है, परिवार आत्मनिर्भर हो रहे हैं, महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ये सब कुछ हो रहा है संविधान से मिले उस अधिकार से, जिसके बाद पंचायतें अपने फैसले खुद ले रही हैं। तभी तो जब कायलापाड़ा में पंचायत को महसूस हुआ कि इलाज के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो फिर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हुई। ये पंचायत का अस्पताल है, जिसकी जिम्मेदारी है 8,000 की आबादी को स्वस्थ रखने की। पहले इसकी हालत बेहद खराब थी, न तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स थे, न ही दूसरे स्टाफ। इलाज के लिए मरीजों को 20 से 30 किलोमीटर दूर शहर के अस्पतालों में जाना पड़ता था, और कई बार तो गंभीर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन पंचायत ने गांव वालों की परेशानी को दूर करने की ठानी, और स्वास्थ्य विभाग से मिलकर पंचायत ने अस्पताल की कमियों को दूर कराया और लोगों को जागरूक कर कोरोना जैसी आपदा से भी लड़ने के लिए एकजुट किया। हमारे यहाँ पर हम 8 स्टाफ है, 2 डॉक्टर्स, 1 फार्मासिस्ट, 2 स्टाफ नर्स एंड अटेंडेंट एंड स्वीपर। यहाँ पर ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पेशेंट्स आते हैं, और उसके बाद जैसे बुखार और लूज मोशन, मलेरिया, वो पेशेंट भी आते हैं। हम लोग यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन है यहाँ पर। और कोविड के टाइम एक्चुअली थोड़ा अवेयरनेस करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगाते थे यहाँ पर, सोशल डिस्टेंस वो नहीं मेंटेन करते हैं। तो हम लोग अवेयरनेस किया कि ऐसे करना चाहिए कोविड के लिए। और यहाँ पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन भी चल रहा था PHC के अंडर में, जो हमारा इस इलाके के लोग सब आकर वैक्सीन ले चुके हैं। लगभग 60-70% पीपल आर बने 2 वैक्सीनेटेड ऑलरेडी, 2 डोजेस ले चुके हैं। और कुछ लोग हैं जिसके लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर वो उनको वैक्सीनेट कर रहा है। पहले यहाँ से मेडिकल था और डॉक्टर नहीं था, थोड़ा बहुत मेडिसिन मिलता था, ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ठीक से मिलता था, बेड नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, मेडिसिन मिलने नहीं रहा था, तो अभी मेडिसिन मिल रहा है, डॉक्टर अवेलेबल हैं। हमारे पंचायत में पूर्व से मेडिकल नहीं था, अभी बहुत डेवलपमेंट मेडिकल है, और डॉक्टर ज़्यादा सुविधाएं नहीं थे, अभी 3 डॉक्टर हैं। और स्वास्थ्य जतन के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए हमें दूर जाना पड़ता था 30 किलोमीटर, अभी 30 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता था, यहाँ मेडिकल हम लोग आ जाते हैं। और प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, उनके स्वास्थ्य के लिए हमें कटक जाना पड़ता था, 14 जाना पड़ता था, अभी वो सब तकलीफ नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी पंचायतें अपने अधिकारों से नई कहानी लिख रही हैं। कायलापाड़ा में पहली से 10वीं तक के 5 स्कूल हैं। इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा से लेकर बच्चों के लिए स्वच्छता और मूलभूत जरूरतों के सारे सामान उपलब्ध हैं, साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पंचायत में पहले खेल के लिए कोई पार्क नहीं था। बरसात के मौसम में बच्चों में मलेरिया और डेंगू के मामले बढ़ जाते थे। पंचायत ने बैठक बुलाकर तय किया कि गांव में एक पार्क बनाया जाए, ताकि पूरे साल बच्चे वहां खेल सकें। इसके लिए पंचायत की खाली पड़ी जमीन के एक हिस्से को पार्क के तौर पर विकसित किया गया, जिस पर करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन अब ये पार्क पंचायत की पहचान है, जिसे देखकर शहर के पार्क भी रश करते हैं। पार्क नहीं होता था तो हम ग्राउंड में खेलते थे, बारिश होने की वजह से हम ग्राउंड में खेल नहीं सकते थे, क्योंकि पानी भर जाता था और मच्छर काटते थे,
और डेंगू मलेरिया ये सब होता था, इसीलिए पार्क खुला गया और हम यहाँ पर बहुत मस्ती से खेलते हैं। मेरे दोस्त भी आते हैं और मेरे साथ खेलते हैं, हम यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। पार्क हो गई तो हम अच्छे से खेल पाते हैं और हमारे दोस्त भी वहाँ आते हैं। अब पार्क बन गया, हम सब खुशी है और खुशी से खेलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे कटक जिले के कालपाड़ा में एक शिक्षित युवा सरपंच पंचायत को मिले अधिकारों से गांव की तस्वीर को बदल रहा है। चाहे वो गांव के स्कूल हो, अस्पताल हो, या फिर शहरों की तरह चमचमाते पार्क, या फिर सड़कें जहां पर सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक व्यवस्था है लाइट की। ये बदलते गांव की एक छोटी सी तस्वीर है, लेकिन क्या कटक की दूसरी पंचायतें और गांव भी इसी अंदाज में बदल रही हैं और क्या उनके सामने चुनौतियां हैं? अब चलिए आपको लिए चलते हैं कटक की ही एक और पंचायत में, जिसका नाम है बांदीपदा। ये कटक जिले से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बांदीपदा में कुल 8 गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 9000 के आसपास है। कुल आबादी में लगभग 48% महिलाएं और 52% पुरुष हैं। पंचायत में 157 SSGs चल रहे हैं। पंचायत की सालाना आमदनी करीब 4,62,000 रुपए है। बांदीपदा पंचायत के सभी 8 गांवों में सड़कें और बिजली की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन गोपालपुर समेत 3 गांवों में गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत होती थी। गांव की महिलाओं और युवाओं को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। पंचायत में पानी का घोर समस्या था, पानी के लोग को बहुत असुविधा भोगते थे। पानी कैसे अच्छा पानी मिलेगा वो व्यवस्था करने के लिए हम पंचायत वास को समस्त इकट्ठे करके हम मीटिंग करके पंचायत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया कि वो तीनों गांवों में पानी की सप्लाई शुरू करेगी। पंचायत ने टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की व्यवस्था की, लेकिन बात पूरी तरीके से बनी नहीं। हमारा ये 3 गांव में जब पानी टैंकर में जो पानी आते थे, अभी वो समस्या नहीं है। वो जब समर सीजन में ये 2-3 गांव में सरपंच ने टैंकर में पानी देते थे, उससे पहले और ये जो कुओं से और ट्यूबवेल से पानी लेते, ट्यूबवेल भी कभी कभी खराब हो जाते हैं क्योंकि पानी का सोर्स ज़्यादा नीचे है, इसीलिए ट्यूबवेल भी समर में काम नहीं करते। सरपंच इधर 3 गांव में टैंकर में पानी देते थे। जब टैंकर से पानी सप्लाई का प्रयोग असफल हुआ तो पंचायत ने जिले के जल विभाग के एक्सपर्ट से बातचीत की और पानी की समस्या को दूर करने के लिए 67,00,000 रुपए की लागत से गांव में ही पानी की टंकी बनवाई और तीनों गांवों में पाइपलाइन के जरिए 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई शुरू हो गई। इस गांव में गोपालपुर, लखनपुर, गौसनगर में ज़्यादा समस्या थे, इसीलिए हम सरपंच को बताए और सरकार को भी आपत्ति की है वो पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। और उसके बाद और वसुधा योजना में ये गांव में 86,00,000, हमारा जो 3 गांव है इधर 86,00,000 में पानी का समस्या दूर हुआ और गांव में खुशी आई। पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाने पर कुल 86,00,000 रुपए खर्च हुए और हर साल इसके रखरखाव पर 5,00,000 रुपए खर्च होंगे। पंचायत ने अपने अधिकारों के सही इस्तेमाल से न सिर्फ पानी की किल्लत को दूर किया बल्कि गांव के लोगों को बीमारियों से भी बचाया। 6 महीने पहले हमारे गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और वो पानी इतना खराब था जिसे पीने के बाद हमारे गांव में काफी सारे लोग कुछ बीमार में पीड़ित होने लगे। और फिर हमने ये बात जाके हमारे माननीय सरपंच जी को बताई। सरपंच जी ने हमारी सुविधाओं का समाधान करते हुए हमारे गांव में पानी की सुविधा ला दी,
पानी की सुविधा लाने के बाद हम जब भी जाते हैं 24 घंटे में हमें पानी मिलता रहता है, पानी की कोई तकलीफ नहीं रहती और पानी बहुत ही साफ है और इससे कोई बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए अब तीनों गांवों के 120 परिवार बेहद खुश हैं। पंचायत की महिलाएं अपने काम पर फोकस कर पाती हैं तो युवा पढ़ाई और खेलकूद में। पानी लगे सरपंच हमको ये कला खाद्य कला हाँ पानी लगे हईरा हो आम गाँटा जमीन उन्नति हम से कम करेंगे। ये पंचायत में आम पादू देखी पानीर किसी सुविधा नाला आमरी ये सरपंच जो दिन टू 10 वर्ष पूर्व सरपंच हो सारे ये पंचायत में बहुत कम सी कर 40 वर्ष पूर्व जो सरपंच सी किसी करा ये सरपंच बहुत उद्योगी सरपंच किंतु लोकंर समस्या रास्ता घाट ये पंचायत रे बहुत कम से कर हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा के कई युवाओं ने खेल के मैदान में अपना परचम लहराया है और इसमें पंचायतों की बड़ी भूमिका है। कुछ साल पहले तक तस्वीर बेहद खराब थी। युवाओं को खेलने के लिए ऊबड़ खाबड़ मैदान में प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन पंचायत के फैसले और सरकारी सहयोग से युवाओं के खेलों के सपने अब उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पहले बंजर था तो घास फूस उठता था, खेलने की सुविधा नहीं था और आज यहाँ देखिए आप बहुत कुछ बदला हुआ है। हमारा उड़ीसा सरकार ने बहुत काम किया, हमारा ग्राम सरपंच ने बहुत काम किया, यहाँ जेंट्स लेडीज सब यहाँ आके खेलते हैं तो उनके लिए सुविधा क्या है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये वॉलीबॉल भी खेलते हैं यहाँ। देर इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द आवर सरपंच एंड आवर विलेज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द स्पोर्ट्स एंड द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड आवर सरपंच हैज मेक ए गोल्डन प्लेटफॉर्म फॉर अस। बांदीपदा पंचायत ने खेल में युवाओं की रुचि को देखते हुए स्टेडियम बनाने का फैसला किया जिसके चलते हर रोज अब स्थानीय लड़के लड़कियां फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं और राज्य और देश का नाम रोशन करने का सपना पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए 25 लाख रुपए खर्च हुए। सर खेलने के बाद हम सोचते हैं यहाँ पहले तो कोई कुछ जाते नहीं थे, बाहर जा नहीं पाते, यहाँ डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर ओडिशा सरकार से खेलेंगे। हम सोचते हैं भारत के लिए भी खेले, हमारा बंदे खेल के हम हमारे वर्ल्ड के लिए भी खेले, हम चाहते हैं यहाँ मेडल भी लाए हमारे देश के लिए, देश के नाम रोशन करे और हम ओडिशा के लिए भी नेशन करें, हमारे ग्राम पर्यंत खास करें हमारे ग्राम के लिए भी यहाँ जो बंदे खेल के जीतेंगे हमारे ग्राम के लिए नाम रोशन करें। कटक जिले में पंचायतें जहाँ एक तरफ मूलभूत जरूरतों पर ध्यान दे रही हैं तो वहीं स्पोर्ट्स में युवाओं की दिलचस्पी को देखते हुए उनके भविष्य के सफर को सहारा दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे गांव बदल रहे हैं, पंचायत को मिले अधिकारों से गांवों की तस्वीर बदल रही है और कटक जिले में तो तमाम गांव अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर अगले दौर के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। इस तरीके के स्टेडियम और खेल के मैदान कटक के कई गांवों में नजर आ रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि यहां की अब जो हुनर है वो तैयार है देश का नाम रोशन करने के लिए दुनिया के खेल के मैदानों में। तो हमारे आज के सफर में इतना ही, लेकिन अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और नए राज्य में, एक नए जिले में, नई पंचायत और कुछ नए बदलते गांवों के साथ। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।